नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। देखिए, मुझे कुछ क्वेरियां आ रही हैं जो निफ्टी की भी एनालिसिस मांग रहे हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं या फिर कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो कहते हैं, सर बैंक निफ्टी के साथ साथ जो है हमको निफ्टी की भी एनालिसिस हमको करके बताइए। पीछे आपने एक वीडियो शूट की थी, उसके बाद आपने जो है सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी और उस बैंकिंग की अब वीडियो बनाते हैं, तो साथ में निफ्टी की भी वीडियो साथ में ऐड कर दें। 2-4 मिनट लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। वीडियो जरूर 2-4-5 मिनट लंबी हो सकती है, क्योंकि जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से करके आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए, मैं आप लोगों को निफ्टी की भी साथ के साथ एनालिसिस करके बता दिया करूंगा। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, कल जो डोजी कैंडल यहाँ पर हमने देखी थी, यहाँ पर जो डोजी कैंडल फॉर्म हुई थी, तो यहाँ पर देखिए आज बैंक निफ्टी जो है गैप अप ओपन हुई, बट गैप अप ओपन जो है ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और उसके बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गई। तो देखिए, मैंने आप लोगों को वहां पर टेलीग्राम चैनल में मैंने बताया भी था, अगर उम्मीद करता हूं कि जो चार्ट मैंने आपको भेजे थे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोगों ने उसमें से अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं, जो आज यहां पर हाई लगा है बैंक निफ्टी का, वो हाई लगा देखिए 32,177 का, 32,200 की एक्सपेक्टेशन थी, बट यहां पर 32,200 तक जा नहीं पाया, 32,180 के आसपास से यहां पर रिवर्स हो गया और यहां पर जो फाइनली लो लगा वो 31,911 का लगा। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेडिंग हुई और हमको कल के हमारे ट्रेडिंग प्लान क्या है। तो फाइनली देखिए, मैं यहां पर चलता हूं 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में हम यहां पर चल के अपनी एनालिसिस करेंगे। तो फाइनली यहां पर देखिए, बैंक निफ्टी जो कल की यहां पर क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग थी 31,740 के आसपास, और यहां से देखिए गैप अप ओपन यहां पर हो गई थी। तो ये ओपनिंग देखिए काफी एक अच्छी ओपनिंग, जिसको हम कह सकते हैं 250-300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो गई थी। फाइनली देखिए यहां पर सस्टेन नहीं कर पाया है, गैप अप ओपनिंग तो हुई बट यहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। देखिए, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, अगर 5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है, मीन्स अगर 5 मिनट में 5 मिनट के चार्ट में चलता हूँ, फिर वहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, चीजें मैं समझाता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, ये मेरा मोटिव होता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मिनट की जो कैंडल बनेगी उसके हाई के ऊपर मैं बाय कर लूंगा और नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, बट किस हाई के ऊपर, यहां पर एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। देखिए, है तो ये भी ग्रीन कैंडल, इसको हम ग्रीन इसको कहेंगे क्योंकि यहां से नीचे से प्रेशर आ गया है बाइंग का, बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर नेक्स्ट कोई कैंडल क्लोज ही नहीं कर पाई है। चाहे आप 2 मिनट के चार्ट में जाके देखेंगे तब भी आपको ये देखने को मिलेगा। और फाइनली देखिए, यहां पर जब आप अगली कैंडल यहां पर डोजी देखेंगे तो शायद आपका मन भी यहां पर अभी नहीं करेगा, क्योंकि देखिए डोजी जाकर एक टॉप में वो रिवर्सल का एक साइन हो जाता है। और फाइनली देखिए, यहां से जो लेवल यहां से ब्रेक हुआ, देखिए यहाँ पे ये लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद कंटिन्यू देखिए यहाँ पर मार्केट में सेलिंग रही। अब देखिए सेलिंग कहाँ तक रही, जो हमारा प्रीवियस डे का जो हाई था उसके आसपास से देखिए मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई। बाउंस बैक होने के बाद देखिए हमको यहाँ पर ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट मिला था, हमको एक पहला ट्रेड यहाँ से देखिए हमने यहां पर लिया था। मैंने ये चार्ट आपको पोस्ट भी किया था टेलीग्राम चैनल में। देखिए, मैं कंटिन्यू आप लोगों को चार्ट पोस्ट करते रहता हूं कि आप लोग से कोई कोई गलत ट्रेड ना ले लें, इसलिए मेरा मोटिव ये होता है कि आप, अगर मैं पैसे कमा रहा हूं तो आप भी पैसे बनाइए, क्योंकि मैं अपनी जेब से पैसे नहीं दूंगा, मार्केट ही आपको पैसे देगी। सो देखिए, टेलीग्राम चैनल में मैं कंटिन्यू आपको निफ्टी की और बैंक निफ्टी के दोनों चार्ट पोस्ट करके आप लोगों को मैं अलर्ट करते रहता हूं। देखिए, अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो फिर आप जाकर जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। प्लस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल, बैंक निफ्टी के चार्ट आपको कंटिन्यू वहां पर इंट्राडे में मिलते रहते हैं। तो चलिए, यहां पर देखिए बहुत आसान थी आज मार्केट ट्रेड करने के लिए। फाइनली देखिए, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, यहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते थे। अगेन देखिए, यहां पर जब यहां पर लेवल ब्रेक हुआ, यहां पर आप ट्रेड ले सकते थे। अगेन देखिए, यहां पर जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए इस तरह से, यहां जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो यहां पर देखिए ट्रेड मिला, और यहां पर काफी अच्छा ट्रेड मिला। इसके बाद अगेन यहां पर एक ट्रेड और मिला, इस तरह से यहां पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। तो देखिए, चीजें आपको करनी आनी चाहिए, जब तक आप चीजों को सीखेंगे नहीं तब तक आपको चीजों को पता नहीं चलेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस और जो है एक्सपीरियंस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक भी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। चलिए, अब मैं यहां पर 15 मिनट के चार्ट में चलता हूं और बताता हूं कि किस तरह से हम लोग को कल के लिए यहां पर तैयारी करनी है। तो फाइनली देखिए, एक्सपायरी हमारी बहुत अच्छी हो चुकी है। अब देखिए, यहां पर जो आकर जो क्लोजिंग हुई है, वो क्लोजिंग देखिए एक सपोर्ट लेवल है, ऐसा मत सोच लीजिए। देखिए, कई लोग एनालिसिस यहां पर ये करेंगे कि यहां पर डे लो का यहां से जो है सपोर्ट ड्रॉ करेंगे और ये कहेंगे देखो जी ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट के बाद ये मार्केट रिटेस्ट कर रही है, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, हमको देखिए पिछले जो है प्रेविस यहां पर जो हाई लगा हुआ है उसका देखिए रेजिस्टेंस था, अब वही रेजिस्टेंस यहां पर आके एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज लॉजिकल बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं, और ये ट्रेंड लाइन देखिए
बिल्कुल एग्जैक्ट इसके आसपास ही है। मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल रहा है। एक तो देखिए जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसका हमको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, दूसरा यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, मे बी कल यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। बाउंस बैक कहाँ तक हो सकता है, जो हमारा आज का हाई लगा हुआ है 32,160 के आसपास, तो यहाँ पर अगर फ्लैट मार्केट ओपन होती है तो फ्लैट मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं और नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरे केस में क्या करना है, मान लीजिए अब मैं एक ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूं तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आने वाली हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा चीजों को। देखिए अभी एक सपोर्ट लेवल है, यहां से बाउंस बैक हो सकता है, यहां से कल मार्केट में बाइंग आ सकती है। अगर ये एक ट्रेंड लाइन कल ब्रेक हो जाती है, मान लीजिए यहां से जो है फ्लैट ओपनिंग हुई, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने के बाद जो है फिर हम यहाँ पर सेलिंग देखेंगे। हमारा यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा कोई 31,650 के आसपास। बट यहाँ पर देखिए हो क्या सकता है, यहाँ से देखिए मे भी थोड़ा सा 100-200 पॉइंट्स के पहले बाउंस बैक होगा। अगेन जब आपको इस लेवल पर मिले, यहाँ पर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है तो 32,100 32,150 का लेवल, ये हमारा सेल जोन है, यहाँ पे जाके आपको सेलिंग करनी है। क्लियर कट सुन लीजिए, ये हमारा सेल जोन है। जब यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर क्रॉस करती है, क्लोज करती है, तब हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे। गैप डाउन ओपनिंग क्या करना है, देखिए जब गैप डाउन ओपनिंग होगी तो उस सिनेरियो में क्या होगा, गैप डाउन ओपनिंग में एक तो ये हमारा सपोर्ट ब्रेक हो चुका होगा, दूसरा हमारे जो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी होगी। सो यहां पर अगर 150 पॉइंट का यहां गैप डाउन ओपन होती है तो 5 मिनट की कैंडल का आपने जो है हाई लो देखना है, उसके बाद लो के नीचे आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं। बट वहां पर ध्यान रखिएगा, वहां पर कम से कम आप जो है 10 से 20 पॉइंट का फर्क रखिएगा। बैंक निफ्टी मान लीजिए क्लोजिंग आती है यहां पर 31,700 की, आपको 31,690 जब क्रॉस करेगा उस टाइम आपको ट्रेड लेना होता है। ऐसा नहीं है 31,700 का लो लगा तो 31,699 पे आपने एंट्री ले ली, ऐसा मत किया करिए। चलिए अब निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी में देखिए क्या हो रहा है। देखिए निफ्टी में देखिए मैंने यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट लगाया, पहले मैं आपको लोगों को मैं एक दिन के चार्ट में यहाँ पर समझा देता हूँ, वनडे के चार्ट में समझा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यू 2-3 दिन से सेम हाई यहाँ पर लग रहा है। सेम हाई लगने का मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पर मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, मीन्स अब ये जो लेवल है ऊपर 14,250 का, इस ये लेवल निफ्टी के लिए अब एक हर्डल बन चुका है, ये लेवल अभी क्रॉस नहीं हो पा रहा है। दूसरा देखिए अब यहाँ पर जो देखिए इसका थोड़ा सा हाई आज लगा है जरूर, यहाँ पर जो कल का हाई था वो हाई को देखिए हम देखेंगे हम, वो 14,244 का था, बट यहाँ पर जो हाई लगा वो 14,253 का, तो 9 पॉइंट प्लस आज ऊपर गया था बट निफ्टी वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई और फाइनली ऊपर से जो है गिरावट आ गई। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में समझते हैं कि कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें निफ्टी के चार्ट को, यहाँ पर देखिए अब हम ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न मिल रहा है और वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह से है। अब मैं इसका थोड़ा कलर मैं डार्क कर लेता हूं तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए ये मैंने पैटर्न ड्रॉ कर दिया है, अब इस पैटर्न को देखिए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो जानते होंगे इस पैटर्न को क्या बोलते हैं। देखिए इस पैटर्न को बोला जाता है मेगाफोन चार्ट पैटर्न, इसको हम टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में मेगाफोन चार्ट पैटर्न बोलते हैं। और मेगाफोन चार्ट पैटर्न देखिए एक छोटे रेंज से चालू होकर एक ये फैलता चले जाता है, जैसे मान लीजिए एक टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी पड़ रही है, जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे रोशनी फैलती जाएगी, तो ये उस तरह का एक पैटर्न होता है। अब देखिए हमको यहां पर करना क्या है, हमको यहां पर देखिए एक बिल्कुल सिंपल हमारे पास अभी सपोर्ट लेवल के आसपास हम यहां पर भी खड़े हैं, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट लेवल है, अभी हम सपोर्ट लेवल के आसपास आकर हमने यहां पर क्लोजिंग की है, नीचे से हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है। अब देखिए यहां पर हमको क्या करना है, यहां मान लीजिए कल को फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मे भी यहां पर 10-20 पॉइंट की गिरावट आए और इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिले, तो ये परफेक्ट जो है आपकी बाइंग होगी, यहां से जो है एक तेजी आ सकती है। दूसरे सिनेरियो में क्या करना है, दूसरे सिनेरियो में आप लोगों को मैं यहाँ पर एक देखिए मैं लॉजिकल चीज यहाँ पर बता देता हूँ। एक ट्रेंड लाइन अगर हम इधर से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमको एक देखिए ट्रेंड लाइन मिल गई। अब इस सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यहां से कोई गैप अप ओपनिंग होती है या मान लीजिए मार्केट थोड़ा ऊपर जा खुलता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके क्लोज कर देता है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जब क्लोजिंग आ जाएगी तो आप यहां से बाइंग के लिए जा सकते हैं। दो सिनेरियो, ये दोनों बाइंग के सिनेरियो हैं, एक तो इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर सकता है, दूसरा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहां से जो है बाइंग आ सकती है। दूसरा देखिए यहां पर क्या हो सकता है, अगर मार्केट में यहां पर गैप अप ओपनिंग होती है और कोई बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान लीजिए इस लेवल के आसपास, तो ये लेवल जो है 14,220 का लेवल ध्यान से सुन लीजिएगा, ये भी एक हमारे लिए पहला सपोर्ट देखिए हमारे पास ये होगा। अगर हमको मार्केट यहाँ 14,220 के आसपास मिलती है तो यहां से भी एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा 14,220 का लेवल हमारा सेलिंग, 14,210 से 220 ये हमारा सेलिंग जोन है, और उसके बाद ऊपर जो है 14,250 का लेवल ये हमारा सेलिंग जोन है। बाइंग लेवल सुन लीजिए, बाइंग लेवल जहां पर निफ्टी इस समय खड़ी है वो एक सपोर्ट लेवल है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे पीछे की तरफ लेके चलूं तो ये देखिए प्रॉपर देखिए यहां से ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ, यहां सपोर्ट बना, अगेन देखिए यहां पर ब्रेक हुआ, अगेन यहां पर जाके सपोर्ट ले रहा है,
तो ये एक बाइंग लेवल है। मे बी कल यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से बाइंग आ सकती है। मान लीजिए यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मिलता है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी की और बैंक निफ्टी की दोनों की एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। अगर देखिए समझ में नहीं आई तब भी कोई इश्यू नहीं है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया तो करिए कम से कम क्या चीज़ नहीं समझ में आया है। अगर आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो चीज़ मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपको रिप्लाई करने की और आपको वो चीज़ समझाने की। देखिए मन में कोई डाउट मत रखा करिए, उसको क्लियर कर लिया करिए। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में। तो पहला स्टॉक है देखिए हमारे पास एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक देखिए कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको 6665 के ऊपर यहाँ पर बाइंग करनी है और 670 675 का आपको टारगेट दिया था। तो फाइनली यहाँ पर देखिए जो आज एक्सिस बैंक का हाई लगा है वो 675 का टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। 676.50 यहाँ पर जो है एक्सिस बैंक का हाई लगा है। अब यहाँ पर कल हम 672 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, टारगेट हमारा रहेगा 680 रुपये और 685 रुपये। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए फाइनली आज भी जो है ट्रेंड इस ट्राइंगल पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाया। ये ट्रायंगल पैटर्न देखिए अभी ऊपर के लिए ये जो ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ऊपर जाने के लिए ये हर्डल है और नीचे जाने के लिए ये जो नीचे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है ये हर्डल है। ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हम बायर बनेंगे और नीचे की तरफ यहां ब्रेक होता है तो हम सेलर बनेंगे। मींस कहने का मतलब ये है कि बंधन बैंक के केस में हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई ट्रेंड नहीं है, हम कोई अप ट्रेंड में नहीं है, हम कोई डाउन ट्रेंड में नहीं है, यहां पर हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। जिस तरफ ब्रेक करेगा हम उस तरफ हो लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चलिए वैसे मैं इसके एनालिसिस करता नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में इस तरह के पैटर्न को असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। और मे भी देखिए ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बट अगर नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये इसका पिछला सपोर्ट जो है ये देखिए यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कहीं 56-55 या 56 रुपये के आसपास है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है, ब्रेक डाउन होती है तो हम यहाँ पर 55 से 56 का लेवल देख सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ऊपर की तरफ ब्रेक होते हैं तो हम यहां पर 70 और 75 का टारगेट देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक देखिए हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक देखिए ये कब ब्रेक करेगा मुझको खुद समझ में नहीं आ रहा है, काफी दिन से मैं इसको ट्रेस कर रहा हूं, काफी दिन से मैं इसका वेट कर रहा हूं। अब देख लीजिए अभी ऊपर जाने को तैयार नहीं है। नीचे का लेवल देखिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नीचे जैसे 1400 रुपये के नीचे की क्लोजिंग आएगी, लेवल ध्यान से सुनिएगा, 1400 रुपये के नीचे की क्लोजिंग, ना कि मतलब 1400 1390 चले गया या 1395 चले गया हमने बाय कर लिया, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 15 मिनट की एक कैंडल 1400 के नीचे क्लोज हो जाए, उस कैंडल के नीचे आपको वहां पर एंट्री लेनी है। तो इंट्राडे में इस तरह से ट्रेड करना है। और देखिए यहां पर देखिए अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के मेरे को चांस थोड़े कम दिख रहे हैं, बट देखिए यहां पर कोई कैंडल कोई कंफर्मेशन मिले तब जाके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, और उसके बाद हमको यहां पर वॉल्यूम भी देखना होता है। सो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो मैं यहां पर पोजिशनल एंट्री अगेन लूंगा। देखिए इससे पहले हमने पोजिशनल एंट्री यहां पर ली थी 1160 का लेवल जब ब्रेक हुआ था, 1160 के ऊपर हमारी एंट्री चल रही थी और ये हम कब का बुक भी कर चुके हैं। अब दोबारा अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो 1450 के ऊपर अगेन निकलेगा तो अगेन हम यहां पर बाइंग के लिए एंट्री लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक का मैं आपको एक बिहेवियर समझाता हूं। आईसीआईसीआई बैंक में मैं देखिए काफी दिनों से ट्रेड करता हूं और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट स्टॉक है। ये क्या करता है, ये मोस्टली जो है जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये एक असेंडिंग चैनल के रूप में जाता है। अगर मैं देखिए अगर पहले की भी आपको पैटर्न दिखाऊं तो ये जो पैटर्न बना हुआ है ये बना हुआ है 26 मार्च से लेकर के ये समझ लीजिए 9 से 10 महीने का ये पैटर्न बना हुआ है। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी एक असेंडिंग चैनल बन रहा है। अब अगेन देखिए यहां पर अगेन देखिए अगेन दोबारा एक जो है असेंडिंग चैनल पैटर्न यहां पर बनना चालू हो गया है। अब देखिए ये जो पैटर्न आज जो बना है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप यहाँ पर बनी है, सो इसको देखिए हम एक एंगल्फिंग कह सकते हैं, बेयरिश एंगल्फिंग कह सकते हैं या ट्वीजर टॉप कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर मे भी देखिए आईसीआईसीआई बैंक में अभी बाइंग मत करिएगा इंट्राडे में, क्योंकि यहां पर मे भी गिरावट आ सकती है। गिरावट कहां तक आ सकती है मैं आपको बता देता हूं, 525 और 530 के लेवल तक। यहां पर अगर कल देखिए आज का जो लो लगा है, आज का लो लगा है 540 के आसपास का, कल को अगर ये 540 का लेवल ब्रेक करता है तो आप यहां पर 535 और 530 के टारगेट के लिए यहां पर सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग में नहीं जाना है, बाइंग में कब जाना है, जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होता, जब तक असेंडिंग चैनल पैटर्न ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहां पर बाइंग के लिए अभी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने देखिए आज काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। कल ही मैंने आपको लोगों को क्या बताया था, आप लोगों को शायद ध्यान होगा, मैंने बताया था आपको कि अगर ये 935 या 940 का लेवल ब्रेक करता है तो यहां पर हमारा टारगेट क्या होगा, 950 रुपये। टारगेट मैंने 950 रुपये का दिया था, बट यहां पर अगर हम देखें तो हमको टारगेट जो मिला है वो 962 का मिला है। अब देखिए हमको कल क्या करना है, कल देखिए एक तो हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमको यहां पर जो क्लोजिंग है वो एक ब्रेकआउट की तरह यहां पर हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। चलिए मैं पैटर्न चार्ट बड़ा कर देता हूं, हमको जो क्लोजिंग दिखाई दे रही है वो जो है देखिए एक ब्रेकआउट हो चुका है ऐसा कुछ लग रहा है, बट यहां पर नीचे जो वॉल्यूम है वो ऐसा
कुछ अभी हमको इंडिकेट नहीं कर रहा है। सो यहां पर अगर आप इंट्राडे के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो 962 के ऊपर ही बाइंग करिएगा, कहीं नीचे आसपास मत बाइंग कर लीजिएगा, नहीं तो वहां पर आप ट्रैप हो सकते हैं। 962 के ऊपर निकलेगा तभी यहां पर बाइंग करिएगा, अदरवाइज जो है इसको अवॉइड करिएगा। सेलिंग के लिए इसमें नहीं देखना है, सेलिंग के लिए अभी जो है यहां पर भी मेरे को थोड़ा मजबूत लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है। सो यहां पर इसको बाइंग के लिए देखिए, देखिए आईसीआईसीआई बैंक को सेलिंग के लिए देखना है और इंडसइंड बैंक को बाइंग के लिए देखना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक देखिए मल्टीपल टाइम इसी ट्रेंड लाइन को बार बार टेस्ट कर रहा है। अब देखिए कोई भी पैटर्न अगर बार बार जो है किसी ट्रेंड लाइन को, किसी सपोर्ट को, किसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है तो वो लेवल वीक हो जाता है। मे बी ये लेवल ब्रेक हो सकता है, अगर ये 1925 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहां पर जो है 1900 का और यहां पर 1850 का टारगेट बहुत जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक देखिए कल मैंने आपको 265 रुपए के ऊपर बाइंग करने के लिए दी थी, टारगेट आपको 270 का दिया था, फाइनली 270 का टारगेट आज अचीव हो गया। कल क्या करना है हमको, 270 रुपए के ऊपर निकलता है तो बाइंग करनी है, टारगेट हमारा 275 रुपए है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी देखिए यहां पर, देखिए अब मैंने यहां पर एक नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, एक ट्रेंड लाइन यहां से है, मींस यहां पर एक असेंडिंग चैनल है और इस असेंडिंग चैनल के आसपास जो है ऊपर अपर लाइन पर जाकर इसने जो है ये जो कैंडल बनाई है इसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। तो मे बी यहां पर कल शायद सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग दे सकते हैं। 287 के नीचे निकलता है तो 284 और 280 के टारगेट के लिए यहां पर हम सेल कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि जो मैंने निफ्टी की और बैंक निफ्टी की एनालिसिस आपको करके बताई है या बैंकिंग की एनालिसिस जो करके बताई है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।